ओम महागणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे, आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए, मैं आज चलता क्या कर रहा हूँ, मैं 22 अगस्त 2023 के लिए हर राशि का राशिफल दे रहा हूँ। वो चर्चा करते करते मैं नवी राशि धनु राशि पर आ गया हूँ, तो धनु राशि की मैं चर्चा करूँगा। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूँ धनु राशि के लिए ग्रह गोचर कौन राशि कहाँ बैठी है, कौन राशि किस भाव में है। देखिए आप देखिए, जो बड़े बड़े ग्रह हैं, यानी जो बड़े ग्रह यानी शनि, शनि देखिए तीसरे भाव में बैठे हुए हैं अपने कुंभ राशि में, और जबरदस्त शनि और लाभ देंगे अपना, क्योंकि शनि जो परिश्रम पराक्रम के भाव में है अपनी राशि में उच्च के हैं, तो शनि तो जितना आप पराक्रम जितना परिश्रम करेंगे उतने लाभ लीजिए। तो शनि यहाँ बैठ के भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों से यात्रा कराएंगे तो यात्रा में लाभ मिलेगा। शनि यहाँ बैठे, और बड़े ग्रह देखिए, बड़ा ग्रह एक बृहस्पति है, राहु है जो यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं। राहु बृहस्पति मेष राशि में, राहु का निगेटिविटी खत्म हो चुकी है, चांडाल दोष का कोई असर नहीं है। राहु बिल्कुल बाल्यावस्था में चले गए, बृहस्पति युवावस्था में है, अच्छा बलि होकर के अपना पंचम भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। और देखिए जो केतु जो है 11वें भाव में, केतु जो है धार्मिक कामों में रुचि लगाएंगे, लेकिन लाभ भाव में तो लाभ तो देंगे देंगे। यहाँ से बृहस्पति और राहु की दृष्टि पड़ेगी केतु पर, तो लाभ भाव में लाभ तो मिलने मिलना, बृहस्पति की दृष्टि भी है। धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा पैसे का, तो पैसा आएगा लाभ भाव से। और केतु थोड़ा आपके मन को विरक्ति बनाते हैं, आपका सांसारिक से आप क्रियाओं से दूर जाते हैं। और देखिए चौथी राशि जो है कर्क राशि में सूर्य है आपका, जो कि 17 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे अपनी सिंह राशि में। सूर्य अपने घर में ही, खुद ग्रहों के राजा अपने घर में आएंगे, वहाँ पर ग्रहों के सेनापति मंगल बैठे होंगे और ग्रहों के युवराज बुध बैठे होंगे। युवराज बुध और सेनापति मंगल दोनों ही राजा का स्वागत करेंगे। उससे पहले बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, कहाँ भाग्य भाव में, भाग्य में लक्ष्मी नारायण योग बन के तो बुध का और शुक्र का तो भाग्य भाग्य बढ़ाएगा भैया, भाग्य बढ़ेगा तो पैसा ही पैसा आएगा। बाद में बकरी शुक्र जो है अपने, देखिए यहाँ से बकरी शुक्र जो है मतलब अपने पंचम में से चौथे में आ जाएंगे, 7 तारीख को शुक्र आ जाएंगे और 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे। तो सूर्य बुध का फिर यहाँ पर भाग्य भाव में बुद्ध आदि राजयोग बनेगा, वो भी जबरदस्त फायदा रहेगा। और मंगल जो यहीं पे बैठे हैं भाग्य भाव में, लेकिन सूर्य के साथ मंगल सेनापति दो दिन तो साथ रहेंगे 17-18 को, फिर 18 तारीख को 19 से समझ लिए 19 से उनका अफेक्ट या दशम भाव में होगा, उसके पहले मंगल और सूर्य यहाँ बैठ कर भाग्य वर्धन करेंगे। उसके पहले तो मंगल यहीं पर है सूर्य से महीना, तो बहुत लाभ देंगे भाई। तो धनु राशि के लिए देखिए ये महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा, शनि देखिए थर्ड हाउस में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस देंगे यहाँ पर, लेकिन देंगे प्रोग्रेस, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, यात्रा जो होंगी उनसे लाभ मिलेगा, और पराक्रम मतलब परिश्रम कराएंगे, जहाँ तक जितना परिश्रम करेगा शनि की उतनी कृपा पाएगा, तो धनु राशि वालों की उतना लाभ मिलेगा। तो स्लो तो मिलेगा, देखिए शुक्र 8वें में 7 अगस्त के बाद सूर्य के साथ देखिए शेयर मार्केट से लाभ दिला सकते हैं, नुकसान नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सूर्य अस्त हो गए बकरी हैं, तो यहाँ से सूर्य शुक्र जो है आपके हानि नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि अब अस्त भी हो गए बकरी भी है, तो जो कुछ भी शेयर मार्केट से या पैसे का आपका हानि हो सकती थी वो हानि नहीं होगी। यहाँ से दृष्टि पड़ रही है मकर राशि में, तो लाभ पैसे का तो धन का तो लाभ मिलेगा, सूर्य भी यहाँ से लाभ दिलाएंगे, पैसा मिलेगा, सरकार से पैसा मिलेगा, व्यापार से पैसा मिलेगा, शेयर मार्केट से पैसा मिलेगा। और देखिए सूर्य फिर 17 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, शुक्र यहाँ आ जाएंगे, तो फिर सूर्य बुध का बुध राजयोग और मंगल के साथ सेनापति का दो दिन का बहुत बढ़िया रहेगा। और देखिए बुध की राशि यहाँ पर है, तो बुध जो है अच्छे हैं यहाँ पर भाग्य भाव में, तो बुध यहाँ भाग्य में बैठ करके भाग्य बदल होगा। तो तीसरी राशि मिथुन राशि 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेगी,
पार्टनर्स का बिजनेस जो है बहुत बढ़िया होगा, क्यों बिजनेस के इंचार्ज बुद्ध हैं और बुद्ध की राशि है, मतलब तो पार्टनर बड़ा सहयोग देंगे आपको बिजनेस में। और यहाँ से देखिए एक राशि जो है यहाँ पर है छठी, एक राशि यहाँ पर है बुद्ध की, तो ये कर्म स्थान में और ये सप्तम स्थान में, बुद्ध की बहुत कृपा रहेगी धनुराशि वालों के लिए। और बाद में मंगल भी जब आ जाएंगे 17, 18, 19 तारीख को, तो मंगल भी अपने मंगल भूमि पुत्र मंगल है, तो अपने चौथे भाव को देखेंगे, यहाँ शुभ साधनों का विकास करेंगे, मकान देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, और मंगल कर्म स्थान में बैठकर सरकारी नौकरी में लाभ देंगे, सरकार से लाभ दिलाएंगे, व्यापार में लाभ दिलाएंगे, सरकारी ठेकों से भूमि के संबंधित कामों से लाभ दिलाएंगे। तो धनु राशि को तो अच्छा ही मिल रहा है ना, धन भाव में देखिए शनि की राशि है अपनी, और देखिए मंगल की दृष्टि जो है, जब मंगल यहाँ से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि चौथे भाव में भूमि पुत्र, और मंगल जब यहाँ आ गए तो 1, 2, 3, 4 लग्न पर दृष्टि, 5, 6, 7 यहाँ पर दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि, तो मंगल यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे और चौथे भाव को देखेंगे, तो संतान को भी लाभ दिलाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे, पति प्रेम प्रसंगों में भी आपका सफलता दिलाएंगे, और सुख साधनों में चौथे भाव में बहुत भूमि भवन बंगला गाड़ी के क्रय विक्रय से भूमि हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो, सब में लाभ मिलेगा। तो वही धनु राशि को तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छा खासा बढ़िया लाभ मिल रहा है, क्योंकि मंगल जो है मंगल काफी अच्छा लाभ जो है यहाँ भाग्य भाव में भी हो जाए। तो मैं तो कहूंगा आप धनु राशि वालों अगर और लाभ लेना चाहते हो तो मंगल के उपाय करो ना, भगवान हनुमान की सेवा करो, भगवान हनुमान मंगल को शनि को, शनि से भी लाभ पाओगे, शनि की राशि धन भाव में है, और मंगल तो मंगल और शनि को भगवान हनुमान के मंदिर जाओ, भगवान हनुमान की पूजा करो और कृपा पाओ। नमस्कार।